हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक, आपका स्टडी इंडिया चैनल में स्वागत है। यार, हम लोगों ने 10वीं तो पास कर ली और दोस्तों के भरोसे हमने साथ में कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट कर लिया। अब 12th पास कर ली। अब हमें सबसे बड़ा हमारे करियर में क्वेश्चन मार्क है कि हम बीकॉम करें या बीबीए करें। कुछ बच्चे तो पहले से प्लान करके रखते हैं और कुछ भाई जैसे होते हैं, उनको अभी भी डाउट है कि बीकॉम या बीबीए बेस्ट है। तो अब हम बेसिकली इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमें बीकॉम करना चाहिए या बीबीए करना चाहिए। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको बीबीए करना है या बीकॉम करना है, क्योंकि कैरियर आपका है, चूज़ आपको करना है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस कोर्स में या बीकॉम में या बीबीए में से कौन सा बेस्ट हो सकता है आज के मार्केट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटा बजा देना यार, बिकॉज सारे बीबीए की जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर से एंड सेमेस्टर तक की जितनी भी पढ़ाई है आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी इसी चैनल में। तो आपको कोई ट्यूशन में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, आप इस स्लाइड से आपको कुछ समझ आ रहा है। ये एक जो इंसान है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जंप करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने अपना पहले से ही एक टारगेट ले रखा है कि हमें इतनी स्पीड से ऊपर जाना है, तो वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, अदरवाइज़ ये नीचे गिर जाएगा। सेम उसी तरीके से यार, जैसे ही हमने 12वीं पास करी ना, इसके बाद हमारी कैरियर की पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये पहाड़ के बीच का डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है, ये 12th और हमारे ग्रेजुएशन लेवल तक की डिफरेंस है। यहाँ हमें बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद ही हम आगे फर्दर कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हमारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं, देखो पहले बीकॉम को देखते हैं। तो बीकॉम किसे करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीकॉम का मतलब क्या होता है। देखो, बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ये बेसिकली उन लोगों को करना चाहिए जिनका ना न्यूमेरिकल कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जो न्यूमेरिकल में जिनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इस कोर्स को कर सकते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। और जिन का गोल बेसिकली जैसे हो गया आपको न्यूमेरिकली कंपनीज़ में, जैसे टैक्सेशन या अकाउंटेंट या सीए समथिंग से रिलेटेड जो भी जॉब करनी है, तो आपके लिए अगर फर्दर सीए आपको ऑप्ट करना है तो उसके लिए आपको बीकॉम जो होता है वो बेस्ट रहता है, बिकॉज़ आपको काफ़ी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हो जाती है और सीए में अकाउंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेड होती है जब हम करते हैं। तो देखो, ये बीकॉम जो कोर्स है वो 3 साल का ही कोर्स होता है। चलो अब हम बीबीए में फर्दर देखते हैं कि बीबीए क्या है। तो बीबीए जो होता है भाई, इसको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, बीबीएम भी इसको बोलते हैं। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनको डेप्थ नॉलेज चाहिए मैनेजमेंट फील्ड में। और इसमें जनरली देखो, बीबीए मैनेजमेंट फील्ड है तो इसमें आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मैनेजीरियल लेवल पे पढ़ाई करनी होगी, डेप्थ नॉलेज। जहाँ पे बीकॉम में देखा जाए तो बीकॉम में आपको न्यूमेरिकली ज़्यादा टैकल करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कंसेप्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है। यहाँ मैनेजमेंट के चैप्टर्स सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर हमें पढ़ाए जाते हैं। तो यार अब हम कुछ ये भी सेम देखा जाए तो 3 साल का ही कोर्स होता है। अब हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं यार, बीकॉम में और बीबीए में क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो देखो यार, जैसे कि हम जानते हैं कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाना है, तो ठीक है। तो दोनों में सेम क्राइटेरिया होता है, 12th पास होना। और बीबीए में मेरिट और एंट्रेंस दोनों बेस पे जो एडमिशन मिलता है, इट्स डिपेंड अपॉन द कॉलेज
लेकिन बीकॉम भी बेसिकली मेरिट बेस पे ही जनरली होता है। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजों में तो डायरेक्ट हो जाता है, बट बीकॉम जो होता है वो मेरिट बेस पे ही होता है। और एमबीए जो होती है, जो बीबीए करते हैं उनके लिए बेसिकली एमबीए करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि अगर वो एमबीए करते हैं तो उन्होंने बीबीए में भी वही मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनका आगे एक्सटेंशन पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो किसी में भी एक्सपर्ट्स एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, जैसे एमबीए इन एचआरएम कर सकते हैं और फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग में एंड अदर मैनेजमेंट फील्ड्स में। जैसे ही उसी प्रकार जैसे ही बीकॉम में देखा जाए तो जिन्होंने बीकॉम करा है उनके लिए वो भी एमबीए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, एलएलबी भी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं और काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी जो वो आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं बीकॉम के अंदर ही, बीकॉम के बाद अगर करना चाहें तो। देखो यार, जॉब की बात करते हैं तो बीबीए वालों की जो जॉब लगती है वो मैनेजमेंट फील्ड में लगती है, मैनेजीरियल लेवल की फील्ड होती है। तो देखो उसमें मैनेजीरियल लेवल सेल्स में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, एडवर्टाइजिंग हो गई, बैंक हो गया, बैंक मैनेजर जैसे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी एज अ मैनेजर और अदर जितने भी जगह में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ हर जगह बीबीए के फील्ड की लोगों की डिमांड होती है। उसी तरीके से यार बीकॉम वालों की भी उतनी ही डिमांड है देखा जाए तो, बिकॉज़ हर जगह अकाउंटेंट की, हर कंपनी में अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए एक न्यूमेरिकली बंदे की ज़रूरत होती है, वो बीकॉम ही परफेक्ट होता है। कोर्स हमने देख लिया, सेम बीबीए भी 3 साल का होता है और बीकॉम भी 3 साल का होता है। देखा जाए तो जो बीबीए का की फ़ीस है तो वो 3 to 4 lakh है, 3 ईयर की फ़ीस, ये एवरेज फीस है देखा जाए तो, हर कॉलेज में इतनी लगती है अगर अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए तो। और बीकॉम की 2 to 3 lakh फ़ीस है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा देखा जाए तो कम होता है, ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ये न्यूमेरिकली कोर्स है तो इसमें इतना ज़्यादा फीस नहीं देखी जाती, जबकि बीबीए जो होता है वो टोटली प्रोफेशनल कोर्स होता है, डिग्री प्लस प्रोफेशनल कोर्स होता है, और बीकॉम सिंपल कोर्स होता है, एक बैचलर कोर्स है, तो इसमें इतनी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती, इससे लेसर फीस होती है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब, अगर हमने बीबीए कंप्लीट कर ली, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहें तो एज ए अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, ऐसा बैचलर डिग्री भी मानी जाती है प्लस प्रोफेशनल डिग्री भी होती है। अब बीकॉम में बात करें तो बीकॉम तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, ये यूजी कोर्स के ही, सिंपल यूजी कोर्स ही माना जाता है। अब बीबीए क्योंकि सेमेस्टर वाइज है तो इसमें एटलीस्ट 34 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, और हमको या मतलब सभी को पढ़ने पड़ते हैं जो भी बीबीए करते हैं। और बीकॉम जो है वो जनरली अभी भी देखा जाए तो कहीं कहीं ईयरली बेसिस पे चलता है, तो उसमें हम देखें तो 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं टोटल देखा जाए तो। अब सैलरी पैकेज की अगर बात कर लेते हैं तो बीबीए वालों का जो सैलरी पैकेज है वो 3 to 4 lakh पड़ता है, और बीकॉम वाले का जो सैलरी पैकेज है वो 2 to 3 lakh पड़ता है। थैंक यू यार, अगर इतनी चीज़ आपने देख ली और समझ ली तो आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अब आपके हाथ पे है या आप डिसाइड करेंगे कि आपको आगे फर्दर क्या करना है।